हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक लाइव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन कोर्स में। तो आज अपन एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। तो आ जाइए फटाफट से, आज की क्लास कॉन्ट्रासेप्शन पे रहेगी, यानी ऐसी गलतियां जो आप ना करें, जिन गलतियों से आप बच सकें, ऐसे मेजरमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे गलतियों से बचा जा सकता है। ठीक है, एक सुनहरा अवसर गलतियों से बचने का। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड रहेगा, बड़ा ही मस्त टॉपिक है, बड़ा ही मजा आने वाला है आप लोगों को। मैं एक मस्ती भरे अनुभव के साथ इसको पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, बड़े ही इंटरेस्टिंग माहौल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो एक बात बता देता हूं तुम लोगों को कि मैं मस्ती के साथ पढ़ाऊंगा, तो कोई बात को कोई भी लड़का या लड़की इंटर रिलेटेड ना करे, क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती से पढ़ाने वाला हूं और उसमें मेरा कोई भी भावार्थ आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। कोई भी भावार्थ ये नहीं है कि आप लोगों के प्रति मैं गलत बोलता हूं। मैं एंटरटेन के माध्यम से ऐसे पढ़ाना चाह रहा हूं कि ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इन एंटरटेन के माहौल में पढ़ाने से इतना ही मतलब है मेरा कि ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो ठीक है, आज चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चलेगी। ठीक है, तो मैं यहां पढ़ाऊंगा, तो यहां जो ऑफलाइन में बैठे हैं विष्णु जैसे बच्चे, ये तो ऑफलाइन पढ़ेंगे और बाकी अपना ऑनलाइन तो चल ही रहा है। चलिए तो आज का शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो कॉन्ट्रासेप्शन रहेगा। क्या टॉपिक रहेगा? कॉन्ट्रासेप्शन। यानी आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या चीज होती है, यानी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है ऐसे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट कहें या प्रोडक्ट कहें, जो क्या करते हैं, कंसीव को रोकते हैं, यानी क्या करते हैं, कंसेप्शन को रोकते हैं, कंसेप्शन होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, कंसेप्शन से रोकते हैं और हमें क्या करवाते हैं, एंजॉय का माहौल अनुभव करवाते हैं। ऐसे जो मेजरमेंट हम यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। सर आप तो सीधी सी डेफिनेशन बता दीजिए, कॉन्ट्रासेप्शन बोलते किसे हैं? तो बेटे सीधी सी डेफिनेशन है, कॉन्ट्रासेप्शन ऐसे इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप क्या करते हैं, कंसेप्शन से बचने के लिए यूज करते हैं। यानी आप क्या करते हैं, जो कंसेप्शन है इसको इंटरप्टेड कर देते हैं, रोक देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। इन मेथड्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। अब ये तो एक आपकी लॉजिकल डेफिनेशन थी कि सर ये तो होता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की, तो दो प्रकार के मेथड होते हैं, यानी दो प्रकार के मेथड होते हैं जिनसे आप मेथड्स होते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, तो यानी कंसेप्शन को रोक सकते हैं। जो कंसेप्शन है आप कंसेप्शन जो होता है उसको दो मेथड के द्वारा रोक सकते हैं। कितने मेथड? दो मेथड से रोक सकते हैं। कितने मेथड से रोक सकते हैं बच्चे? तो विष्णु दो मेथड से रोक सकते हैं। ठीक है, दो मेथड कौन कौन से होते हैं? तेरे दिमाग में ख्याली दिमाग है तेरा, तो सवाल तो आना निश्चित ही है। ठीक है, सवाल तो आना निश्चित ही है, तो सवाल आएगा तेरे दिमाग में कि सर दो मेथड कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ, आज का टॉपिक तो बड़ा ही मजे आने वाला है। चलो चलिए भाई, थोड़ा सा इंटरप्टेड था क्योंकि थोड़ी कोई काम था, चलिए आगे बढ़ते। चलिए भाई, तो अपन क्या करते हैं, दो मेथड यूज करते हैं। अब क्या है, दो कौन कौन से होते हैं? अरे अभी बताऊंगा, तू रुक। ठीक है, चलो अब अपन करते हैं दो मेथड की बात, की दो मेथड कौन कौन से होते हैं। चलो ये तो अपना कॉन्ट्रासेप्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन था, शुरू तो अब होगा। अपन इसमें दो मेथड यूज करते हैं। कितने मेथड होते हैं अगर बात करें कॉन्ट्रासेप्शन की, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की, तो मेथड्स कितने होते हैं अपने पास? सर दो मेथड यूज करते हैं। कितने? टू टाइप्स के मेथड होते हैं, मेथड कितने प्रकार के यूज करते हैं अपन? टू टाइप्स के मेथड यूज करते हैं। अब बात आती है, सर टू टाइप के मेथड तो आपने बता दिए, लेकिन सर होते कौन कौन से हैं? क्या आएगी कि सर दो टाइप के तो बता दिए, आप बता ही जा रहे हो कि दो टाइप के होते हैं, एक टाइप का तो हमने भी यूज कर लिया, लेकिन जो दूसरे टाइप वाला होता है वो कौन सा होता है? तो देखो,
एक मेथड होता है टेम्परेरी, कौन सा होता है? पहला मेथड जो होता है वो टेम्परेरी होता है, कौन सा होता है? टेम्परेरी, यानी पहला मेथड होता है वो टेम्परेरी होता है और दूसरा मेथड होता है परमानेंट। यानी एक मेथड तो आप कैसे रोक सकते हो? टेम्परेरी तरीके से, किस क्या, जब आपने यूज किया, यानी जब आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की, यानी सेक्सुअल जब एक्टिविटी की तो क्या किया, कंसेप्शन ना हो, यानी आप कंसीव ना कर सकें, यानी आपने क्या कर दिया, जो फर्टिलाइजेशन था उसको क्या कर दिया, इंटरप्टेड कर दिया, यानी फर्टिलाइज नहीं होने दिया, ठीक है, किसी प्रकार से सबरम्स को अंदर नहीं जाने दिया, रोक दिया, यानी आपने क्या कर लिया, टेम्परेरी यूज कर लिया, यानी ये तो टेम्परेरी मेथड होता है। एक होता है परमानेंट, कि सर परमानेंट क्या होता है, परमानेंट वो मेथड होता है, ये जो मेथड होता है यानी परमानेंट ही रोक दिया, यानी आपने कोई भी सर्जरी कर ली, यानी कोई भी सर्जिकल अप्रोच यूज कर ली, क्या कर ली, सर्जिकल अप्रोच यूज कर ली, यानी आपने क्या यूज कर ली, कोई सर्जिकल अप्रोच यूज कर ली, जिसकी वजह से क्या कर दिया, परमानेंट रोक दिया, यानी अब तो आप कितने ही मजे करो, कोई टेंशन नहीं है सर, अब तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, गुंडों को पर्टिकुलरली रोक दिया। देखो कैसे रोक दिया, या तो आपने फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कर दी, या मेल में क्या कर दी, वेसेक्टोमी कर दी, यानी या तो फीमेल में क्या कर दी, ट्यूबेक्टोमी कर दी, यानी बोलते हैं ना नसबंदी, क्या कर दी भाई, नसबंदी कर दी, ठीक है, नसबंदी का ऑपरेशन करवाया है क्या विष्णु तूने, नसबंदी का ऑपरेशन, ठीक है, देखे तो हमने नसबंदी के ऑपरेशन, सुने होंगे मोहल्ले में, हाँ सुने, ठीक है, तो आपने क्या कर दी, नसबंदी करवा दी, ठीक है। और देख टेम्परेरी मेथड भी तूने सुने होंगे, जैसे तूने सुना होगा कंडोम, चलो देखो भाई, अब अपन टेम्परेरी मेथड कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं, कितने टाइप के होते हैं देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो आपने बेसिकली यूज कर रखे होंगे, एक होता है नेचुरल मेथड, पहला कौन सा होता है, नेचुरल मेथड होता है, पहला कौन सा मेथड होता है, नेचुरल मेथड्स होता है, नेचुरल मेथड होता है, दूसरा कौन सा होता है, आईयूसीडी यूज करते हैं, आईयूसीडी मेथड यूज करते हैं, ठीक है, आईयूसीडी मेथड्स यूज करते हैं, इसके अलावा कौन सा होता है, तो सर इसके अलावा हम बैरियर मेथड यूज करते हैं, क्या करते हैं, बैरियर्स मेथड, यानी बैरियर्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है, कौन से मेथड, बैरियर्स मेथड यूज करते हैं, और कौन से मेथड यूज करते हैं, तो आप हार्मोनल मेथड यूज करते हैं, कौन से करते हैं, हार्मोनल मेथड यूज करते हैं, ठीक है, मेथड्स यूज करते हैं, यानी बैरियर मेथड को यूज करते हैं, आईयूसीडी यूज करते हैं, नेचुरल मेथड यूज करते हैं, यानी नेचुरल मेथड यूज करते हैं, आईयूसीडी यूज करते हैं, बैरियर मेथड यूज करते हैं, हार्मोनल, ये कौन से हैं सर, ये सारे कौन से होते हैं, तो सर टी फॉर टेम्परेरी, ये सर सारे कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी मेथड होते हैं सर, यानी अपन टेम्परेरी यूज करते हैं इनको, ठीक है। अब बात करते हैं सर, आपने ये तो बता दिया कि टेम्परेरी मेथड होते हैं, कि भाई नेचुरल मेथड होता है आपका, आईयूसीडी मेथड होता है आपका, बैरियर मेथड होता है आपका, हार्मोनल मेथड होता है, सर ये नेचुरल मेथड क्या होता है, यदि से आपके दिमाग में बात आती है कि सर नेचुरल मेथड क्या होता है, तो नेचुरल मेथड की बात करें तो पहला मेथड आता है रिदमिक मेथड, नेचुरल मेथड का भी एक सब टाइप होता है, नेचुरल मेथड में भी एक सब टाइप होता है जिसको आप बोलते हैं रिदमिक मेथड, क्या बोलते हैं, रिदमिक मेथड। अब रिदमिक मेथड में क्या होता है, तो रिदमिक मेथड में जैसे आप कैलेंडर मेथड यूज करते हैं, ठीक हो, ठीक है, इसमें पहला मेथड देखते हैं रिदमिक मेथड, कौन सा मेथड देखेंगे, रिदमिक, सर ये रिदमिक मेथड क्या होता है, अभी इसको क्लियर कर लेंगे, रिदमिक मेथड, यानी रिदमिक मेथड की बात करें तो रिदमिक मेथड क्या होता है, इसमें भी कुछ सब टाइप होते हैं, जैसे यूज किए होंगे आप लोगों ने, नहीं तो कर लेना आगे, कौन कौन से मेथड होते हैं, पहला होता है कैलेंडर मेथड, कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है, कैलेंडर मेथड, कौन सा होता है, कैलेंडर मेथड होता है, कैलेंडर मेथड होता है, ठीक है, मेथड्स होता है, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर मेथड होता है, यानी बॉडी टेम्परेचर मेथड होता है, और कौन सा होता है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड है, कौन सा, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड होता है, तो ये तीन मेथड होते हैं, कितने मेथड होते हैं विष्णु, तीन मेथड होते हैं, तीन मेथड, पानी पर गिरने लग गया इधर ऐसे का, ठीक है, तो ये तीन मेथड होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं
बेसिकली मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो कैलेंडर मेथड क्या होता है, आप लोगों को अगर बेसिकली मैं सीधी भाषा में समझाना चाहूं तो बताओ कैलेंडर मेथड क्या होता है। तो भाई कैलेंडर मेथड क्या होता है फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ भाई कैलेंडर मेथड क्या होता है। कैलेंडर मेथड क्या होता है फटाफट से, एक मिनट भाई। हाँ कैलेंडर मेथड क्या होता है बताओ फटाफट से। चलो भाई करते हैं कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो सबसे पहला आता है कैलेंडर मेथड। अगर कैलेंडर मेथड में कैसे लगाओगे तो कैलेंडर मेथड में क्या होता है, एक तो सेफ यानी आपको सेफ एंड जो अनसेफ टाइम होता है, अनसेफ जो टाइम होता है, सेफ जो टाइम होता है उसका पता रखना है। क्या पता रखना है, यानी आपको डेट का, यानी आपको एमसी जो साइकिल होता है उसमें डेट का पता रखना है, और उस डेट से क्या लगा लेंगे कैलेंडर में लगा लेंगे उस डेट को, और फिर पता करेंगे कि सेफ मेथड कौन सा था, अनसेफ टाइम कौन सा था, सेफ टाइम कौन सा था, ठीक है। लेकिन भाई ये जो मेथड होता है ये वैसे अच्छा मेथड है, क्योंकि अब आपने अगर डेट का पता कर लिया तो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन कौन से डे होता है, फर्टिलाइजेशन का आपको पता है, और नहीं पता है तो कोई नर्सिंग स्टाफ से पूछ लेना कि भैया फर्टिलाइजेशन कौन से डे होता है, तो फर्टिलाइजेशन का तो आपको पता है, और आपने यहां पे डेट को आपने याद रख लिया तो आप क्या कर सकते हैं भाई, मजे कर सकते हैं, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं मजे कर सकते हैं। देखो भाई लेकिन इसकी एक क्वेश्चन यहां पे आपके दिमाग में आएगा, आएगा पक्का आएगा, पूछ ले। इन केस मान लीजिए सर कि डेट मिस हो जाए, डेट याद ना रहे तो क्या करें सर? अरे डेट याद नहीं रही तो इसकी फेलियर रेट होती है ना, तब आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे विष्णु? आप फेलियर रेट होती है, फेल हो जाओगे। यानी मान लीजिए आपको डेट थोड़ी बहुत दो दिन तीन दिन पांच दिन ऊपर नीचे कर दिया आपने तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इसीलिए इसकी फेलियर रेट क्या है, ज्यादा है। आया समझ सर? तो ये चीजें हैं, बस यही कंसेप्ट याद रखना है, यानी सेफ और अनसेफ याद रखना है, दिन को गिन लेने कैलेंडर में, ऐसे ऐसे होता है कैलेंडर, देख ऐसे होता है कैलेंडर, उसमें ऐसे डेट लगा देनी है, एक तारीख दो तारीख तीन तारीख चार तारीख। अब आप तेरे को पता है कि सर तीन तारीख को आया था, क्या आया था सर, टाइम आया था, ठीक है टाइम आया। सर कंप्लीट कब हुआ? सर तीन को आया था और पांच को कंप्लीट हो गया। इतना छोटा तो नहीं होता, दो दिन का थोड़ी होगा, नालायक हाँ और कर रहा है, नहीं होगा, चार पांच दिन चलता है, तो पांच दिन मान ले सर, आठ तारीख मान ले, मैंने आठ तारीख की बात कर ली कि आठ तारीख की बात है। अब आठ तारीख के बाद तेरे को पता है चौदह दिन बाद फर्टिलाइजेशन होगा। अब चौदह दिन यानी नौवें दिन से लेकर जो आपका चौदहवां दिन है वो क्या है, चौदह दिन से पहले पहले क्या है, सेप है, ठीक है। लेकिन चौदहवीं की बजाय अगर मान ले बारहवीं की भी तेरहवीं को भी रिस्क है तो अब तू बारहवीं से बंद कर दे, तेरहवां चौदहवां पंद्रहवां यानी पांच दिन छोड़ दे यहां पे, कितने दिन, क्योंकि चार घंटे तक क्या करता है सप्रम्स का जो टाइम होता है वो 72 आवर्स तक होता है, ठीक है। तो आपको चार दिन तक क्या करना है, तेरे को ध्यान रखना है, और बाद में तो समझ ही गया, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा सा है मेथड होता है, तेरे को साइज समझ में आ गया, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अगला देखते हैं, अगला पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, अगला पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। अगली बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। एक भाई एक मेथड और होता है जो मदर, एक मेथड अपन यूज करते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया होती है, इसके अंदर भी एक रूल होता है, यहां पे आप रूल ऑफ थ्री फॉलो करते हैं, रूल ऑफ थ्री फॉलो करते हैं, क्या करते हैं फॉलो करते हैं, रूल ऑफ थ्री फॉलो करते हैं। अगर मदर क्या करवा रही है,
अगर मदर करवा रही है, मदर क्या करवाती है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। क्या करवाती है? ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, मदर करवाती है ब्रेस्ट फीडिंग। याद रखना भाई विष्णु, अच्छा मेथड है मजे लेने का, ठीक है। देख भाई, अगर मदर क्या करवाती है? ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सा एक हार्मोन आता है? दूध का निर्माण करने के लिए एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। क्या होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? जो एस्ट्रोजन होता है, प्रोलैक्टिन क्या करता है? जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है उसके लेवल को क्या करता है? सेप्रेस करता है। क्या करता है? बहुत अच्छा कमेंट है, देख ले, याद रहेगा। सेप्रेस करता है, सेपरेशन करता है, यानी इसको क्या कर देता है? सेपरेस करके रखता है। लेकिन इसका जब लेवल पीक होता है, यानी पीक लेवल पे क्या करता है? सेपरेस करता है, दबा के रखता है। एस्ट्रोजन बोलता है बढ़ूंगा, लेकिन बोलता है नहीं नहीं अभी मैं हूं, तेरे को नहीं आना है। तो ये बोलता है मैं आऊंगा, लेकिन ये बोलता है नहीं भाई मैं हूं अभी, ठीक है। तो ये क्या करता है? एस्ट्रोजन को दाब के रखता है। इसलिए एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है? प्रोलिफरेशन का काम करता है, यानी जो फोलिकल्स होता है, फोलिकल को मेच्यूरेशन का काम कौन करता है? एफएसएच करता है। लेकिन जो फोलिकुलर का मतलब ये सबसे ज्यादा कहां निकलता है? फोलिकल से निकलता है, फोलिकल से सेल से निकलता है। तो इसकी एक खास बात होती है एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन की खास बात क्या? ये क्या कराता है? इसकी क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है, ठीक है। जो फोलिकल होता है उसकी क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। लेकिन जब तक और ग्रोथ करवाता है, दूसरा एलएच को लेके आता है। अब क्या करेगा? ये जो प्रोलैक्टिन है, इसने क्या कर दिया? एस्ट्रोजन को रोक रखा है, सेपरेस कर रखा है। तो ना तो एस्ट्रोजन आ सकेगा और ना ही एलएच आ सकेगा। तो ये क्या रोक के रखेगा? ओवुलेशन को रोक के रखेगा कि नहीं रखेगा? लाला रोक के रखेगा, ठीक है। ओवुलेशन को रोक के रखेगा, ठीक है। तो ओवुलेशन को रोक के रखेगा, जब तक ओवुलेशन नहीं होगा तब तक तेरे तो मजे ही मजे है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाओं में कितने मंथ है? तो 3 मंथ। या आंसर कितना याद रखना है? 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, याद रखना 3 मंथ। और जो नहीं करवाती है, कुछ महिलाएं क्या होती है? नहीं भाई साहब, हम तो बोतल से दूध पिला देंगे, क्योंकि हमारा जो बच्चा है, बच्चे को बोतल से दूध इसलिए पिलाएंगे क्योंकि हमारी जो इमेज है, जो बॉडी इमेज है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि फैशन का दौर है यार, तेरे को पता है, ठीक है। तो फैशन के दौर में क्या होता है? लड़कियां बोलती है नहीं मेरा तो शरीर खराब हो जाएगा, मैं तो नहीं पिलाऊंगी, ठीक है। तो बेचारा तेरे जैसा जो इंसान होता है, जो हस्बैंड होता है, वो क्या कर सकता है? खुद तो दूध पिला नहीं सकता, फिर वो क्या करता है? देखा जाए बोतल लेके आते हैं, ठीक है, तो वो बोतल से फीड करवाता है, ठीक है। तो अगर ऐसी मदर्स होती है, उनमें तुझे याद रखना है, उनको बोलना है भाई साहब 3 वीक याद रखना, 21 दिन, 21 दिन के बाद क्या हो सकता है? ओवुलेशन हो सकता है, ओवुलेशन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? ओवुलेशन हो सकता है, याद रखना भाई साहब, ठीक है। क्योंकि बात तेरे को पता है, एक कहानी मैं तेरे को बताता हूं। क्योंकि जो प्यासा आदमी होता है वो हमेशा कुएं की तलाश करता है, ठीक है। तो समझ गया होगा मेरा डायलॉग, तो ये बात है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी कहानी थी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया भी एक क्या है? टेम्परेरी मेथड है। कैसा मेथड है? टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं रहता है। तू कभी देखे सर लैक्टेशनल एमनोरिया है, वाइफ तो 2 महीने तक, 2 साल तक पिलाती है कालू राम को दूध, लेकिन सर 2 साल तो मजे हो गए? ऐसा कतई नहीं होता है, ये कहानी इतनी है, याद रखना, ठीक है। चल आगे पढ़ते, मजा आ रहा है तेरे को? जी सर बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। चलो मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और ये कई कोचिंगों में पढ़ चुका है, तो इसको डाउट ज्यादा रहते हैं और स्पेशली इसका ये माहिर आदमी है, ठीक है। तो इसमें इसको डाउट बहुत आते हैं, तो ये क्या है? बाद में कॉपी चक के पेन चक के आता है, सर ये कैसे हुआ? ये हार्मोन कैसे बढ़ गया? ये ऐसा कैसे हो गया? तो इसको मैं क्या है? कवरअप करके चलता हूं, ठीक है ना। तो कहीं आप समझो सर इसको फोक्स क्यों कर रहे हो, इसके भाईलिया वाइलिया ज्यादा है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल सिंगल छोरा है, पढ़ाई करने वाला छोरा है। चलो भाई अगला मेथड अपन वो याद कर रहे थे, बॉडी टेम्परेचर वाला। क्या देख रहे थे? बॉडी टेम्परेचर। आप रास्ते से मत भटको रहे, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे थे। अब बॉडी टेम्परेचर में क्या होता है? एक मिनट यार, ठीक है।
अब बॉडी टेम्परेचर भाई शुरू करते हैं क्लास को, देखो थोड़ा सा एयर आंखों में पड़ी आने लगी। अब बॉडी टेम्परेचर कैसे होता है, तो आपने कहानी सुनी होगी जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन जब होता है आफ्टर ओवुलेशन, यानी आफ्टर ओवुलेशन अगर अपन बात करें, आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो भाई क्या करना है, ओवुलेशन का जो टाइम होता है, जब ओवुलेट होती है फीमेल, ओवुलेशन होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, जो आपने एमसी साइकिल के प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया होगा, रीड आउट कर लिया होगा, नहीं किया तो करना, एमसी साइकिल तुम्हारी गलतियों को सुधारने में बड़ी अहम होती है, ठीक है ना, तो तुम करना, जरूर करना, देखना, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, सर कौन सा थर्मामीटर लेके थोड़ी बैठे, अब तुम्हें तो वही बात, तुम्हें तो मजे लेने होते हैं, सर कोई थर्मामीटर थोड़ी लेके रखते हैं हम जो टेम्परेचर चेक करेंगे, क्यों, इसमें सही बोल रहा हूं ना सर, घर पे कोई टेम्परेचर नापने वाली मशीन थोड़ी रखते हैं, लेकिन लाला ये ज्यादा नहीं होता है इंक्रीज, ये जो बॉडी टेम्परेचर है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, यानी 0.1 डिग्री से लेकर 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इतना क्या होता है, इंक्रीज होता है जस्ट आफ्टर ओवुलेशन, यानी अगर ओवुलेशन हो गया है तो बॉडी टेम्परेचर इतना सा क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर तेरे कैलेंडर मेथड में तूने गलती कर दी, तुझे शक हो रहा है, तो तू फटाक से दुकान पे जाना मेडिकल से और ले आना टेम्परेचर मेथड वाला थर्मामीटर, दे दो, दुकान वाला पूछेगा क्या करोगे, गलतियों को सुधारूंगा, तो आपको क्या लेके आना है और टेम्परेचर को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है भाई। अरे भाई लड़कियों बुरा मत मान जाना, ये तो एक मजा है, इंटरेस्ट है, क्लास का माहौल है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये टेम्परेचर क्या करना है, चेक कर लेना है और इतना सा टेम्परेचर क्या है। अब एक बात और आती है, जो इंडेक्स होता है यानी टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है लाला और लालियो, वो क्या होता है, बिफोर, अगर अपन बिफोर बात करें तो ये क्या होता है, गिरता है, यानी बिफोर टेम्परेचर क्या होता है, तो डिक्रीज होता है, क्या होता है, टेम्परेचर पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है, सुन ले रहे विष्णु, टेम्परेचर पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है, बोल रहा था सर नर्सिंग एक्सपर्ट में पढ़ा उस टाइम समझ में नहीं आया, ठीक है, तो सुन ले, यहां पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, पहले तो गिरता है फिर बढ़ता है, पहले गिरता है फिर बढ़ता है, ठीक है, तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो मैंने तेरे को ये भी बता दिया कि बॉडी टेम्परेचर को कैसे ध्यान में रखना है, आ गया समझ, चलो चलो अगले मेथड की बात करते हैं, अगला मेथड कौन सा होता है, तो अगला मेथड होता है लाला सर्वाइकल म्यूकस मेथड, कौन सा होता है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, म्यूकस मेथड यानी सर्वाइकल म्यूकस मेथड होता है, ठीक है, आ गया। अब मैंने एक कहानी तुझे बताई थी बिलिंग्स मेथड की, इसको बोला जाता है बिलिंग्स मेथड, बिलिंग्स मेथड यानी मैंने एक कहानी समझाई थी तेरे को, कब, ओवुलेशन के टाइम, ओवुलेशन के टाइम तेरे को एक कहानी समझाई थी बिलिंग मेथड, एक साइन समझाया था कि जब ओवुलेशन हो जाता है तो आपकी सर्विक्स के अंदर क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, यानी चिपचिपी हो जाती है, कैसी हो जाती है, चिपचिपी, यानी एक साइन समझाया था स्पिन बार्गिट साइन, यानी ऐसे करके देखते हैं तो लार्वे छूटते हैं, कैसे, ऐसे करके देखोगे ये दो अंगुलियां है, ये क्या है, दो अंगुलियां, इसके बीच में क्या होता है, ऐसे देखोगे तो धार बंधती है, ऐसे लार्वा टूटता है, अगर आप म्यूकस को चेक करते हो सर्वाइकल म्यूकस को, तो इस मेथड को बोला जाता है बिलिंग्स मेथड, ठीक है, बिलिंग्स मेथड के प्रिंसिपल पर काम करता है, और तूने साइन तो मैंने ओवुलेशन के टाइम बताया था, ठीक है, तो बिलिंग्स मेथड किसके, यानी ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, बिलिंग्स मेथड के सिद्धांत पे करता है, और साइन मैंने तेरे को बताया था उस टाइम स्पिन बार्गिट साइन, स्पिन कौन सा साइन बताया था, स्पिन बार्गिट साइन, बार्गिट साइन, ठीक है, बता रखा है, सब कुछ बता दिया, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने चीजें सब बता रखी है, तो ये थोड़ा रिवीजन क्लास आपकी, रिवाइज हो जाएंगी चीजें, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ये चीजें आपको दोबारा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर को भी इंटरेस्ट आता है यार, ठीक है ना, इन चीजों को पूछने के बारे में ना एग्जामिनर को भी इंटरेस्ट आता है, पूछेगा, जरूर पूछेगा, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी गलतियां तो उसने भी की है, ठीक है, चलो चलो भाई, चलो आगे बढ़ते, अगली चीज देखते हैं, मैंने लैक्टोसनल एमनोरिया आपको पढ़ाई दिया, ठीक है, अब अपन बात करते हैं आईयूसीडी की, अब अपन बात करेंगे
IUCD यानी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आप लोगों ने पढ़ रखा है IUCD। सर IUCD को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? IUCD यानी सर कोपर्टी। क्या बोलते हैं भाई? कोपर्टी। एक पूछा जाता है कोपर्टी, इसको बोला जाता है कोपर्टी यानी कोपर। एक ऐसा सब्सटेंस जो यूज किया जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछता है कि कौन सा धातु यूज किया जाता है। आपने पढ़ा होगा धातु, यानी कौन सा धातु यूज किया जाता है। कभी आपसे पूछे कि कॉन्ट्रासेप्शन में कौन सा धातु यूज किया जाता है, तो आपको बताना है सर कॉपर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सर कॉपर यूज किया जाता, कॉपर यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या करता है? कॉपर यूज किया जाता है। इसका भी कॉपर का भी यूज है, आगे बताऊंगा, चिंता मत करो तुम तो। ठीक है, तो कॉपर यूज किया जाता है। अब IUCD कितने है? इसके क्या है, ये जो डिवाइस है अलग अलग जनरेशन, इसकी तीन जनरेशन आई। कॉपर टी की कितनी जनरेशन आ गई? तीन जनरेशन। अब जनरेशन में क्या होता है, जैसे आपके दादाजी थे, आपके दादाजी से आपके पापा जी बने, आपके पापा जी से आपका बेटा रिनू बना, आपके रिनू बेटे से उसका कालूराम बना। ठीक है, तो ऐसे एक जनरेशन चलती रहती है। इस प्रकार इसमें भी क्या आई, पहले फर्स्ट जनरेशन आई, फिर सेकेंड जनरेशन आई, और फिर नई जनरेशन थर्ड आ गई। यानी जनरेशन क्यों आई? क्योंकि इक्वली क्या किए जा रहे हैं, चेंज किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? चेंज किए जा रहे हैं, जिनके आधार पे क्या आ रही है, जनरेशन आ रही है। यानी सुधार, छोटे छोटे सुधार, जिनके आधार पे क्या आ रही है, नई जनरेशन आ रही है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज की क्लास यही रोकते हैं, करेंगे अगली क्लास में IUCD को पूरा डिटेल से। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और जो छोटी छोटी बातें बताई है उनको गौर करना है आप लोगों को। ठीक है, ऑल द बेस्ट।